चलो ये हमारा कॉकटेल मॉकटेल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे। फिलहाल हम लोग पाली में हैं और अब हम लोग आए हुए हैं स्टैंडर्ड सोडा के यहाँ पे, जो कि पाली का बहुत फेमस है। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि यहाँ पे आके आप वीडियो बनाएं, इनके पास बहुत सारे आपको फ्लेवर्स मिल जाएंगे। चलिए भाई साहब से बात करते हैं और देखते हैं कि अभी फिलहाल अभी क्योंकि अभी विंटर्स है ना, विंटर्स में इतना कोई सोडा का चलन होता नहीं, तो इनके पास अभी कौन कौन से फ्लेवर्स है। वैसे इनके पास बहुत सारे आपको फ्लेवर्स मिल जाएंगे, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो भाई साहब, कैसे सब ठीक है? मैंने आपका नाम बहुत सुना है पाली में और बस लोग मुझे कहते हैं कि अगर बेस्ट सोडा पीना है तो आपको स्टैंडर्ड सोडा आना पड़ेगा। कौन कौन से फ्लेवर है भाई साहब आपके? ऑरेंज, कोला, लेमन है और चेरी है। और वैसे तो मैंने सुना था पहले बहुत सारे फ्लेवर आपके रखते थे, कितने? 15 कलर के आपके फ्लेवर मिल जाएंगे। आपको कितना टाइम हो गया अपने को यहाँ पे? 25 साल हो गए। लास्ट टाइम तो आए थे वो कौन थे जब मुझे? फादर साहब आपके। तो अभी फिलहाल आपको क्या क्या मिलाओगे? एक तो सबसे पहले क्या लगाओगे आप? लेमन पियो सबसे पहले। लेमन, उसके बाद? उसके बाद ऑरेंज और फिर सारे फ्लेवर लगा दो, चारों फ्लेवर लगा दो, ठीक है? बनाओ ऑरेंज, कोला सारे साथ ही लगा दोगे यार, एक एक करके लगाओ, इन्हें भी तो मजा है फिर। ये देखिए सबसे पहले ऑरेंज का बना रही है, नींबू डाल दिया इसमें, पीछे से ये आपका खुद का मसाला होगा? घी डाला आपने मसाला? कौन कौन सा? ये घर का मसाला। घर का मसाला। और ये जलजीरा। जलजीरा, तो ये चीज़ आपको अगर पीनी है तो आपको ये जो सूरजपुर से अपन जब आते हैं यहाँ पे ये नोडा स्कूल के उधर, तो यहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं। किसी की पूछोगे कि भाई स्टैंडर्ड सोडा वाले क्या खड़े होते हैं, कोई भी आपको बता देगा। ये सोडा तैयार है। एक नंबर यार, मजा आ गया। ये हमने ट्राई कर लिया। आप कौन से मिलाओगे भाई साहब? कोला पियो आप। कोला बनाओ। कोला का रिव्यू करेंगे रामे साहब, करना है ना? हाँ बिल्कुल। ये फ्लेवर आप खुद ही बनाते हो? बिल्कुल। क्या बात, सब होममेड है, सारे होममेड है। तो ये जो भी फ्लेवर बना रहे हैं ये सब इन्होंने अपने घर पे बनाए हैं, इसके वजह से क्या है कि क्वालिटी भी एक नंबर है। अब ये कोला बना रहे हैं, ये कोला तैयार हो गया। अब ये राफी साहब इसको ट्राई करेंगे। क्या बात है, फ्लोटिंग सोडा बना दिया आपने तो यार। अभी और इसको भरेंगे भाई साहब, फ्लोटिंग सोडा यार ये तो क्या जबरदस्त है माशा अल्लाह, मजा आ गया भाई साहब यार, मजा आ गया, एकदम फ्रेश कर दिया। नहीं जबरदस्त है, राफे को मजा आ गया बाबू। भैया ने बताया कि होममेड है, होममेड में भी एकदम जबरदस्त टेस्ट है। मतलब ये क्वालिटी आपको चाहिए तो आपको यहाँ स्टैंडर्ड सोडा माना पड़ेगा। अब राफी साहब खत्म करते हैं। आप कौन से मिलाओगे भाई साहब? लेमन पियो। आप मुझे एक और बता दो बस, लास्ट तीन लेमन या और कौन सा था? मिक्स पिला देता आपको। चलो एक आप अपने हिसाब से पिला दो, एक मिक्स मॉकटेल। क्या क्या डाला भाई साहब, बता दो ना। शुगर है। और ये कैरी का शरबत है। कैरी का शरबत है, अरे यार जबरदस्त। नींबू चला गया। 25 साल से भाई साहब यार आप खड़े हो, वाकई में कुछ ना कुछ तो बात होगी आपको। ये इनका जो होममेड मसाला है वो, और ये जलजीरा, ये देखिए चलो ये हमारा कॉकटेल मॉकटेल तैयार है। यार ये तो एक नंबर है, ये जो आपने जो पिलाया ना इसमें तीनों फ्लेवर्स का जो टेस्ट आ रहा है ना, बहुत ही काबिल तारीफ है माशाल्लाह। पीता हूँ यार, राबी को भी टेस्ट कराना है। बस राबी साहब कह रहे हैं उनका पेट फुल हो गया। ये चीज अगर आपको पीनी तो आपको स्टैंडर्ड सोडा में आना पड़ेगा। चलिए इनसे पूछते हैं कितने का भाई साहब, एक ग्लास कितने का? ऑरेंज कोला और लेमन तो 20 20 20 के। अच्छा, और ये मिक्स वाला है 30 रुपए। सारे 20 20 के हैं,
अगर आप स्पेशल लेंगे तो आपको 30 रुपये पे करने पड़ेंगे। चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारे वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी से फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और आपकी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट। नाफिस।